गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड वी विल डिस्कस इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम्स. पोएम नंबर 1 लाइट द लैम्प ऑफ दाई लव बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड पोएम नंबर 4 चिल्ड्रेन बाय SW लॉन्गफेलो. साथ ही साथ हम एनालिटिकल क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में. इसी वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट हमारा आया था उस पार्ट में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को इन्हीं दोनों पोएम्स से लेकर के सॉल्व कर चुके हैं या उन्हें समझ चुके हैं. आज हम पोएम की जो एक्सट्रैक्ट्स हैं और इसके एनालिटिकल क्वेश्चंस या थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे, उन्हें कैसे सॉल्व करना है, उस पर डिस्कस करेंगे. पोएम फर्स्ट, लाइट द लैम्प ऑफ थाय लव, मतलब कवि जो है कह रहे हैं कि आपके प्रेम का दीपक प्रज्वलित कीजिए. रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर देम. नीचे एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है 4 लाइन्स में. ये कविता के कुछ स्टैंजाज यानी पंक्ति दी हुई हैं, इन्हें पढ़ना है और उनके उत्तर लिखना है. फर्स्ट स्टैंजा, चेंज माय डार्कनेस टू thy लाइट एंड माय एविल इनटू गोल्ड. टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज ऑल माय क्ले इनटू thy गोल्ड. कवि कह रहे हैं ईश्वर से कि हे ईश्वर, तुम्हारे प्रकाश से मुझे तुम्हारे प्रकाश से मेरे अंधकार को बदलिए और मेरी बुराई को अच्छाई में, एविल यानी बुरा, इनटू गुड यानी अच्छे में मुझे एक बार छुइए. टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, और मुझे एक बार छुइए और मैं चेंज हो जाऊंगा, बदल जाऊंगा. ऑल माय क्ले इनटू thy गोल्ड, तुम्हारे सोने से मेरे अंदर की संपूर्ण मिट्टी, मतलब मेरे अंदर की संपूर्ण बुराइयां जो है वो आपके एक बार छूने से अच्छाई में परिवर्तित हो जाएंगी. ये लाइंस हुई. क्वेश्चंस देखेंगे. नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम. रविंद्रनाथ टैगोर. पोएट कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर. लाइट स्टैंड्स फॉर नॉलेज. यहाँ पर लाइट शब्द किससे संबंधित है? ज्ञान से. इसमें थर्ड ऑप्शन सही होगा, नॉलेज यानी होता है ज्ञान. डार्कनेस स्टैंड्स फॉर अंधकार किससे संबंधित है? इग्नोरेंस यानी अज्ञानता. इग्नोरेंस यानी होता है अज्ञानता. इन माय, अब इसमें सेकंड एक्सट्रैक्ट देखेंगे. इन माय हाउस विद thine ओन हैंड्स लाइट द लैम्प ऑफ thy लव. द ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंट्रेंसिंग वॉन्डर्स आर इट्स रेज. कवि कह रहे हैं इन माय हाउस, मतलब मेरे हृदय में आपके हाथों से आपके प्रेम के प्रकाश का दीपक जलाइए. thy लव आपका प्रेम, लैम्प यानी दिया, आपके प्रेम के प्रकाश का दिया जलाइए. द ट्रांसम्यूटिंग लैम्प, परिवर्तित करने वाला जो, ये ट्रांसम्यूट करना यानी परिवर्तित करने वाला दिया जो है वह एंट्रेंसिंग यानी वशीभूत करने वाला है. और वॉन्डर्स आर इट्स रेज यानी इसकी जो किरणें हैं वह बड़ी अद्भुत हैं. अब इनके क्वेश्चंस कैसे होंगे देखिए. द रेज ऑफ द लैम्प आर वंडरफुल. किरणें कैसी हैं? RAYS रेज यानी होता है किरण. वंडरफुल यानी अद्भुत. जो ईश्वर के प्यार की, जो ईश्वर के प्रेम रूपी प्रकाश का जो दिया है उसकी किरणें कैसी हैं? वंडरफुल, अद्भुत. नेम ऑफ द पोएट ऑफ द पोएम रविंद्रनाथ टैगोर. व्हाट डज इन माय हाउस मीन? इन माय हाउस मीन्स इन माय हार्ट. यहाँ पर इन माय हाउस का मतलब है मेरे हृदय में. व्हाट काइंड ऑफ लैम्प इज इट इन द पोएम? किस प्रकार का दिया इस कविता में है? द लैम्प इन द पोएम इज ट्रांसम्यूटिंग एंड एंट्रेंसिंग. इसमें जो दिया है वह परिवर्तित करने वाला है और वशीभूत करने वाला है. थर्ड इसमें एक्सट्रैक्ट हमने लिया है. ऑल द सेंस लैम्प्स दैट आई डिड लाइट. सभी इंद्रिय जनित दीपक जो मैंने जलाए, शूटेड इन टू वरीज. वो वरीज यानी होता है चिंता या कहना चाहिए तनाव. शिटिंग एट द डोर ऑफ माय सोल लाइट दाय रिसरेक्टिंग लैम्प. और आपका जो सेंस लैम्प जो मैंने जलाया है वो मेरे अंदर के अंधकार को दूर करे और मेरे आत्मा के द्वार पर बैठ कर के आप प्रकाशित कीजिए आपके पुनरुद्धारित करने वाले दिए को. क्वेश्चंस. नेम ऑफ द पोएम लाइट द लैम्प ऑफ दाय लव. What are the senses compared to? इंद्रियों की तुलना किससे की गई है? Senses are compared to lamps that the poet lighted. Since जो इंद्रियों की तुलना का जो है वह
इंद्रियों की तुलना उस दीपक से की गई है जिसे कवि ने प्रकाशित किए हैं। सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड सोल इन द पोयम, आत्मा का SOUL सोल का जो समानार्थी शब्द पोयम में क्या है, आंसर होगा स्पिरिट ऑफ द पर्सन, मतलब मनुष्य की आत्मा। क्वेश्चन, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम लाइट द लैम्प ऑफ द आई लव। लाइट द लैम्प ऑफ द आई लव का केंद्रीय भाव लिखिए, मतलब कविता में किस विषय में कहा गया है, इसकी समरी भी इसे कह सकते हैं पोयम की। रविंद्रनाथ टैगोर प्रेज टू गॉड टू लाइट द लैम्प्स ऑफ हिज लव इन हिज हार्ट टू रिमूव द डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस। रविंद्रनाथ टैगोर प्रार्थना कर रहे हैं ईश्वर से कि ईश्वर उनके प्रेम रूपी दीप को प्रज्वलित करके करें उनके हृदय में, जो उनके हृदय के अंधकार रूपी जो अज्ञानता रूपी अंधकार है उससे वह मुक्त हो जाए प्रकाश के द्वारा, ईश्वर के दीपक से उनके अंदर का अंधकार दूर हो जाए यानी अज्ञानता दूर हो जाए। द वंडरफुल रेज ऑफ लैम्प वुड ट्रांसफॉर्म एविल इनटू गुड, क्ले इनटू गोल्ड एंड वुड फ्री हिम फ्रॉम ऑल वरीज ऑफ लाइफ दैट हैव बीन प्लगिंग हिम। और जो उसकी बहुत ही अद्भुत किरणें हैं उस लैम्प यानी दीपक की, वो परिवर्तित कर दे उनकी समस्त बुराइयों को अच्छाई में, मिट्टी को सोने में, और उन्हें मुक्त कर दे जीवन की समस्त परेशानियों से जो उन्हें जकड़े हुए हैं। पोयम 4 चिल्ड्रेन रिटन बाय SW लॉन्ग फेलो, इनमें से कैसे एक्सट्रैक्ट आपको आ सकते हैं परीक्षा में देखेंगे। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन अंडर देम। इन योर हार्ट्स द वर्ड्स एंड सनशाइन, इन योर थॉट्स द ब्रुकलेट फ्लो, बट इन माइन इन द विंड ऑफ ऑटम एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो। इन योर हार्ट्स, यहाँ पे जो SW लॉन्ग फेलो पोएट हैं वह ईश्वर, वह बच्चों के लिए उन्होंने कहा है, चिल्ड्रेन यानी बच्चों के लिए कहा है, योर वर्ड बच्चों के लिए कहा है उन्होंने कि तुम्हारे हृदय में पक्षी और सूरज की सुनहरी चमक है, और इन योर थाट्स द ब्रुकलेट फ्लो, तुम्हारे विचारों में जो है वह नदियाँ बह रही हैं, बट इन माइंड इन द विंड ऑफ ऑटम, परंतु मुझमें क्या है, पतझड़ की धुंध, और जो पहले हिमपात की गिरती हुई बर्फ, एंड द फर्स्ट फॉल ऑफ स्नो, मतलब पहले हिमपात की बर्फ। अब इसमें क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द हार्ट्स ऑफ द चिल्ड्रन देयर इज, बच्चों के हृदय में क्या है, अभी हमने कविता में देखा था। सेकंड ऑप्शन सही है, द वर्ड्स एंड सनशाइन, पक्षी और सूर्य की चमक, सूरज की सुनहरी धूप। इन द थॉट्स ऑफ द पोएट आर, बच्चों के पोएट यानी कवि के विचारों में क्या है, द विंड ऑफ ऑटम, मतलब पतझड़ की धुंध, गांधी। नेम ऑफ द पोयम चिल्ड्रेन, पोयम का नाम क्या है, चिल्ड्रेन। सेकेंड इसमें स्टैंजा हमने लिया है, यी आर बेटर देन ऑल द ब्लड्स दैट एवर वेयर संग और सैड, फॉर यी आर लिविंग पोयम्स एंड ऑल द रेस्ट आर डेड। कवि कह रहे हैं बच्चों को, ई वर्ड जो है वो बच्चों के लिए उन्होंने लिया है, वे कह रहे हैं कि तुम सभी बलाड्स यानी जो गा गा करके जो कविताओं के थ्रू जो कहानियाँ सुनाई जाती थी ना पहले ज़माने में, उनको बलाड कहा जाता है। तो कवि कह रहे हैं बच्चों को कि तुम सभी बलाड से अच्छे हो, है ना, जो पहले कभी गाए गए थे, फॉर ई आर लिविंग पोएम्स, और तुम क्या हो, जीती जागती कविता हो, और बाकी सब क्या है, डेड यानी मृत प्राय है। क्वेश्चन देखेंगे, ई आर बेटर देन ऑल द बलाड्स, कौन सा आंसर सही है इसमें, सेकेंड क्वेश्चन, वी ई स्टैंड्स फॉर, वाई ई शब्द किसके लिए लिया गया था, चिल्ड्रेन, करेक्ट आंसर इसमें होगा फर्स्ट, चिल्ड्रेन। नेम ऑफ द पोएट SW लॉन्ग फेलो, कविता किसने लिखी है, SW लॉन्ग फेलो ने। नेम ऑफ द पोयम चिल्ड्रेन, एंड बलाड्स मीन्स अ सॉन्ग आर पोयम, बलाड का मतलब होता है एक गीत या कोई कविता। नेक्स्ट जो एक्सट्रैक्ट इसमें लिए हैं, कम टू मी ओ चिल्ड्रेन फॉर आई हियर यू एट योर प्ले एंड द क्वेश्चंस दैट परप्लेक्स्ड मी हैव वैनिश्ड क्वाइट अ बी। कवि कह रहे हैं मेरे पास आओ ओ बच्चों, मैं तुम्हें सुनूं जब तुम खेलते हो, और वे प्रश्न जो मुझे परेशान कर रखे थे वे गायब हो चुके हैं, क्वाइट अ बी यानी बहुत दूर जा चुके हैं, पूर्ण रूप से वे वैनिश यानी गायब हो गए हैं।
अब ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, पोयम इज एड्रेस्ड टू, किसको पोयम एड्रेस की गई, किसे संबोधित की गई है, चिल्ड्रन। कविता किसे लिखी गई थी, बच्चों के लिए, इसमें आंसर क्या होगा, चिल्ड्रन। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है, परप्लेक्स मीन्स टू फील कंफ्यूज्ड एंड एंग्जस, मतलब संशय की स्थिति या परेशानी की कंडीशन। थर्ड नंबर पे नेम ऑफ द पोएट एस डब्ल्यू लॉन्गफेलो। क्वेश्चन, राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम चिल्ड्रन। चिल्ड्रन शब्द जो पोयम है, इस कविता का सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव लिखना है। आंसर, द पोएट सेज दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय एंड रिलीव अस फ्रॉम वरीज ऑफ लाइफ। कवि कह रहे हैं कि बच्चे जो हैं वह खुशी फैलाते हैं और हमारे जिंदगी की चिंताओं से हमें मुक्त करते हैं। Their careless happy looks are more valuable than the wisdom of books. उनकी जो बेपरवाही वाली खुशी होती है ना, वो ज़्यादा कीमती है किताबों की बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से। He compares them to the sweetest songs, और कभी ने उन्हें मीठे गीत से तुलना की है, किनकी, बच्चों की। To the poet, they are living poems. कवि के अनुसार जो बच्चे हैं ना, वे जीती जागती कविताएं हैं। Everything else is lifeless, और बाकी सब क्या है, मृतप्राय है, जीवनहीन है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। सेक्शन सी में ये प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम इसमें पहले पोयम लाइट द लैम्प ऑफ द लव के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम लाइट द लैम्प ऑफ द आई लव। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसके पहले स्लाइड में हमने लाइट द लैम्प ऑफ द आई लव के सेंट्रल आइडिया को डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, एक्सप्लेन दीज लाइन्स इन योर ओन हैंड्स, नीचे दी गई जो स्टैंजाज हैं इनको अपने शब्दों में हमें लिखना है। इन माई हाउस विद दाइन ओन हैंड्स लाइट द लैम्प्स ऑफ द आई लव, दाई ट्रांसम्यूटिंग लैम्प एंट्रेंसिंग वंडर्स आर इट्स रेज। ये जो लाइनें हैं इनको हमको अपने शब्दों में एक्सप्रेस करना है। इनका मीनिंग हमने पहले भी जान चुके थे, फिर बता देते हैं। मेरे हृदय में आपके हाथों से आपके प्रेम का प्रकाश का दीपक प्रज्वलित कीजिए, ये कवि कह रहे हैं ईश्वर से। और दाय ट्रांसम्यूटिंग मतलब आपकी परिवर्तित करने वाले जो आपका परिवर्तित करने वाला जो लैम्प है ना, एंट्रेंसिंग यानी वशीभूत करने वाला है, और इसकी किरणें बड़ी अद्भुत हैं। अब इसको हमने देखिए कैसे एक्सप्लेन किया है। द पोएट सेज इन द इन दीज सॉरी द पोएट सेज इन दिस लाइन्स दैट इन माई हार्ट ओ गॉड लाइट अ लैम्प ऑफ योर लव विथ योर हैंड्स। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि इस लाइन्स में कवि कह रहे हैं ईश्वर से कि मेरे हृदय में हे ईश्वर आपके प्रेम के प्रकाश का दीपक जलाइए। दिस ट्रांसम्यूटिंग लैम्प इज कैप्टी वेटिंग, आपका जो ट्रांसम्यूटिंग यानी परिवर्तित करने वाला लैम्प जो है वह पकड़ के रखने वाला है। कैप्टिवेटिंग मतलब एंट्रेंसिंग का ये सिनोनिम हो सकता है। एंड इट रेज आर अमेजिंग, और इसकी जो किरणें हैं वे कैसी हैं, अमेजिंग यानी अद्भुत है। इसको हमने अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन थ्री, राइट फोर सेंटेंसेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर। यहाँ पर चार वाक्य लिखने हैं प्रेयर यानी प्रार्थना की इम्पोर्टेंस को बताने के लिए कि प्रार्थना क्यों जरूरी है। फर्स्ट हमने यहाँ पर लिखा है प्रेयर हेल्प्स अस टू फाइंड वर्ड्स एग्जैक्टली व्हाट इज ट्रबलिंग अस। प्रार्थना हमें उन शब्दों को खोजने में मदद करती है जो हमें परेशान कर रहे हैं। सेकंड हमने लिखा है प्रेयर गिव्स अस अ सेंस ऑफ नॉट बीइंग अलोन। प्रार्थना हमें अकेले ना होने का एहसास दिलाती है। प्रेयर इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एक्शन। तीसरे नंबर पे कहेंगे कि प्रार्थना जो है वह कर्म की ओर पहला कदम है। फोर्थ, प्रेयर मेक्स अवर हार्ट प्योर एंड लाइट। प्रार्थना हमारे हृदय को शुद्ध और हल्का बनाती है। हमने ये फोर लाइन्स इसमें लिख दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रेयर फॉर फोर लाइन्स थैंकिंग गॉड फॉर व्हाट ही हैज़ डन फॉर यू। हमको एक प्रेयर के फॉर्म में फिर फोर लाइन्स लिखनी है, ईश्वर को धन्यवाद देना है कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। ओ लॉर्ड यू आर माई सेफर्ड, हमने यहाँ पर लिखा कवि यानी अब यहाँ पर कवि नहीं है, यहाँ पर तो हम लिख रहे हैं ना, एज ए स्टूडेंट हमने लिखा कि हे ईश्वर आप हमारे चरवाहे हैं। आई शैल नॉट वॉन्ट यू मेक मी लाई डाउन इन ग्रीन पॉस्चर्स, मैं नहीं चाहूँगा या चाहूँगी कि तुम मुझे
हमारे चारागाहों में रहने दो। यू लीड मी बिसाइड द स्टिल वाटर्स, तुम मुझे अभी भी पानी के पास ले जाओ। यू रीस्टोर माई सॉल मीन्स आत्मा, तुम मेरी आत्मा को बहाल करो। यू लीड मी इन द पाथ ऑफ राइटियसनेस, और तुम मुझे धर्म के मार्ग पर ले जाओ। ये हमने थैंकिंग जो गॉड को करनी थी वो कर दी है इस फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज द बॉय हैप्पी ऑल द डे, लड़का पूरे दिन क्यों खुश था। ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वोक बिफोर द मॉर्निंग, दैट इज ही वोक अप अर्ली। बच्चा इसलिए पूरे दिन खुश था क्योंकि वह सुबह उठ गया, इसका मतलब वह जल्दी जाग गया, सुबह होने के पहले वह जाग गया। वॉट डिड द बॉय रिमेंबर टू डू बिफोर गोइंग टू बेड, बच्चा क्या याद करता है बस बिस्तर पे जाने से पहले। ही रिमेंबर टू प्रे टू गॉड, वह ईश्वर को प्रार्थना करने प्रार्थना करता है बिस्तर पे जाने से पहले। हाउ कैन यू रिमूव द डार्कनेस फ्रॉम योर हार्ट, तुम कैसे कर सकते हो अपने हृदय की अंधकार को दूर। वी कैन रिमूव डार्कनेस फ्रॉम आवर हार्ट विद द हेल्प ऑफ गॉड्स लाइट, हम अपने अंदर के अंधकार को ईश्वर के जो प्रकाश से की मदद से दूर कर सकते हैं, विच इज़ नॉलेज, और वह ईश्वर के प्रकाश रूपी जो लाइट है उसका वह है लाइट, ईश्वर का लाइट रूपी प्रकाश जो है वह ज्ञान है। किस रूप में है, ज्ञान के रूप में है। बिकॉज इग्नोरेंस इज़ द कॉज ऑफ ऑल एबिल एंड अनहैप्पीनेस, क्योंकि अज्ञानता ही जो है सभी बुराइयों और सभी नाखुशी का कारण है। इग्नोरेंस इज़ कंपेयर टू डार्कनेस, और अज्ञानता की तुलना की गई है अंधकार से। इट इज़ ओनली लॉर्ड्स लाइट दैट कैन रिमूव दिस इग्नोरेंस, और यह केवल ईश्वर का प्रकाश है जिससे हम इस अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। फ्रॉम पोएम 4, फोर्थ नंबर के पोएम से हमने इसमें क्वेश्चंस लिए हुए हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, कुछ आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस भी हैं। व्हेन डू द प्रॉब्लम ऑफ द पोएट एंड व्हाई, कवि की समस्या कब खत्म होती है और कैसे। हिज प्रॉब्लम्स डिसअपीयर व्हेन ही हियर्स चिल्ड्रन एट प्ले, उसकी समस्याएं खत्म हो जाती हैं जब वह बच्चों को खेलते हुए देखते हैं। इट इज़ बिकॉज चिल्ड्रन आर प्योर हार्टेड एंड केयर फ्री, क्योंकि बच्चे जो हैं वह शुद्ध हृदय के होते हैं और वह चिंता मुक्त होते हैं। दे लव विदाउट एनी सेल्फिशनेस, और वे प्रेम करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। क्वेश्चन 2, हाउ डज द पोएट कंपेयर हिज हार्ट विद दैट ऑफ चिल्ड्रन, कवि ने अपने हृदय को बच्चों के जो है कैसे बच्चों से कैसे तुलना की है अपने हृदय की। कंपेयरिंग हिज हार्ट विद दैट ऑफ द चिल्ड्रन, पोएट सेज दैट द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन हैव वर्ड्स एंथुसियस्म एंड सनशाइन फ्रेशनेस। कवि कह रहे हैं कि बच्चों के हृदय में जो है पंछी यानी उत्साह और धूप की चमक यानी ताजगी है। वर्ड्स एंथुसियस्म एंड सनशाइन फ्रेशनेस इन देम, बट इन हिज हार्ट ही शेज ब्लोज द विंड ऑफ ऑटम यानी ओल्ड एज एंड इट हैज़ द फर्स्ट फॉल ऑफ द स्नो डलनेस। और कवि ये भी कह रहे हैं कि कवि के हृदय में जो है पतझड़ की पवन यानी बुढ़ापा और प्रथम हिमपात का हिम है, मतलब कभी जो है वो बूढ़े हो गए हैं और उनके हृदय में उनके अंदर जो है डलनेस आ गई है, निरुत्साही वे हो गए हैं, और बच्चों को उन्होंने जो है बहुत ही उत्साहयुक्त बनाया है, बताया है और फ्रेश बताया है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। What has the gladness of the children been compared to? Do you agree with the comparison? यहाँ पर बच्चों की प्रसन्नता की तुलना किससे की गई है और क्या तुम इस तुलना से सहमत हो। द ग्लैडनेस ऑफ द चिल्ड्रन हैज़ बीन कंपेयर टू द विजडम ऑफ बुक्स, आई एग्री विद दिस कंपैरिजन बिकॉज ट्रू विजडम इज़ द सोर्स ऑफ जॉय। बच्चों की प्रसन्नता की तुलना किताबों से की गई है, मैं इससे सहमत हूँ क्योंकि वास्तविक ज्ञान ही प्रसन्नता का स्रोत होता है। व्हाई डज द पोएट से दैट चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बलाड्स, कभी क्यों कहते हैं कि बच्चे जो हैं सभी बलाड्स यानी जो गा गा करके सुनाई जाने वाली कहानी होती है कविता के माध्यम
माध्यम से उन सबसे बेहतर हैं, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? द पोएट सेज दैट चिल्ड्रन आर बेटर देन ऑल द बलाड्स बिकॉज दे देमसेल्व्स आर लिविंग पोएम। वे कह रहे हैं क्योंकि बच्चे स्वयं क्या है, खुद जीती जागती कविताएं हैं। वाइल ऑल द अदर पोएम एंड बलाड्स आर लाइफलेस, बाकी जब भी सभी कुछ जो है वह एक दूसरी जो कविताएं और बलाड्स हैं वे जीवनहीन हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम, यहाँ पर इन लाइन्स को पूरा करना है। जो डार्क ब्लू वर्ड में मैंने लिखा है वो खालिस्तान वाली जगह थी, उससे हमने फिल किया है पोएम की लाइन्स में से ढूंढ करके। कम टू मी ओ ई चिल्ड्रन एंड विस्पर इन माई ईयर वॉट द वर्ड्स एंड विंड्स आर सिंगिंग इन योर सनी एटमोसफियर। आप अपनी बुक्स में देखेंगे ये लाइन्स इस तरीके से लिखी हुई हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस में करेंगे। अब इससे रिलेटेड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं वे भी हम डिस्कस करेंगे। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम चिल्ड्रन, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, आपको सेंट्रल आइडिया याद करना होगा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ये आ सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, हुम डज द पोएट एड्रेस टू एंड वॉट डू द चिल्ड्रन स्प्रेड, कवि ने किससे एड्रेस किए हैं इस कविता में और बच्चे क्या फैलाते हैं। द पोएट एड्रेस टू द चिल्ड्रन, ही सेज दैट चिल्ड्रन स्प्रेड जॉय एंड रिलीव अस फ्रॉम एंग्जाइटीज ऑफ लाइफ, कवि ने कविता में बच्चों को संबोधित किया है और वे कहते हैं कि बच्चे खुशी और फैलाते हैं और वे जीवन की तनावों से हमें मुक्ति प्रदान करते हैं, या बच्चों का जो खुशनुमा चेहरा होता है ना वो वास्तव में सारी मुश्किलों को ख़त्म कर देता है। थर्ड क्वेश्चन, डिड यू हैव हैप्पी चाइल्डहुड एल्बोरेट, यहाँ पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि क्या आपका बचपन जो है खुशनुमा था, इसे विस्तृत में समझाइए। आंसर हमने लिखा, यस अवर चाइल्डहुड वॉज वेरी हैप्पी, वी प्लेड अ लॉट एंड हैड अ लॉट ऑफ फन इन चाइल्डहुड। हाँ, हमारा बचपन बहुत ही खुशी वाला था, हमने बहुत खेला और बहुत मौज मस्ती की अपने बचपन में। हाउ द चिल्ड्रेन आर बेटर देन ऑल द बलाड्स अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि कहते हैं कि कैसे बच्चे जो हैं समस्त जीवन की जो गाए जा सकने वाले गीत हैं उन सबसे बेहतर है। आंसर हमने लिखा, द पोएट सेज दैट चिल्ड्रेन आर बेटर देन ऑल द बलाड्स बिकॉज दे आर देमसेल्व्स आर लिविंग पोएम, बिकॉज दे देमसेल्व्स आर लिविंग पोएम। कवि कहते हैं कि बच्चे जो हैं सभी जीवन में गाए जा सकने वाली गीतों से बेहतर हैं क्योंकि वे स्वयं जो हैं यानी कौन, बच्चे जीती जागती कविताएं हैं, इसीलिए उन्होंने जो बलाड्स वर्ड यूज़ किया है ना, जो जिसका मीनिंग होता है कविता, तो उनको उन कविताओं से बेहतर बताया है किन्हें, बच्चों को। वेयर आर द वर्ड्स एंड सिंगिंग एंड वाय, कब कहाँ जो है पक्षी गाते हैं और कैसे। द वर्ड्स आर सिंगिंग इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रेन, जो पक्षी गाते हैं वह बच्चों के हृदय में, बिकॉज दे आर लिविंग पोएम्स मीन्स दे आर इनोसेंट, मतलब वे जीती जागती कविता है, मतलब वे क्या है, मासूम हैं। सिक्स क्वेश्चन, हु आर बेटर देन विजडम ऑफ द बुक्स, कौन किताबों की बुद्धिमत्ता से अच्छा है। आंसर होगा चिल्ड्रेन, बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट फिल्स द हार्ट ऑफ द पोएट विद जॉय, क्या भरता है हृदय कवि के हृदय को खुशी से, कौन भरता है। चिल्ड्रंस प्ले, बच्चों के खेल जो है ना वह बच्चों, चिल्ड्रंस प्ले फिल्स द पोएट विद जॉय, कवि को जो है बच्चों के खेल जो है वह खुशी से भर देता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो एंड होता है। आप इन सभी क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये भी परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसके फर्स्ट वीडियो में हमने सब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी समझा है और इसमें जो एक्सट्रैक्ट हमने सॉल्व किए हैं समझे हैं उनको भी आप ध्यान से पढ़िएगा, ये सारे क्वेश्चंस आपके काम आएंगे एग्ज़ाम में। आई होप आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।